प्रिय मित्रगण, मैं डॉक्टर एसके वर्मा अपनी YouTube चैनल के नवीनतम एवं 101वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज आप मेरे साथ बेंगलोर के पास स्थित रमणीय, मनमोहक, दर्शनीय पिकनिक स्पॉट नंदी हिल चलिए। आप तरोताज़ा हो जाएंगे, ऊर्जा आपके अंदर भर जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका 2 या 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे आप मेरे प्रयास को एक ऊंची उड़ान दे सकते हैं तथा भारत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए किया जा रहा मेरा यह तुच्छ प्रयास अधिक लोगों तक पहुँच सकेगा। मैं आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकता हूँ। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें तथा कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर ही करें। मित्रों, मैंने नंदी हिल की यात्रा बेंगलोर के व्हाइटफील्ड नामक स्थान से शुरू की, जहाँ मेरा बेटा रवि रहता है। वैसे वहाँ तक मैजेस्टिक से बस और रेल भी जाती है, वहाँ से बस मिल जाता है। नंदी हिल बेंगलोर से करीब 60 किलोमीटर दूर है, कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में। चिकबल्लापुर से 10 किलोमीटर दूर इस नंदी हिल के पास ही नंदी शहर है। यहाँ पर 1986 में शार्क सम्मेलन हुआ था। अभी हम लोग ऊपर की ओर शिखर के नज़दीक तक जा रहे हैं। घुमावदार पहाड़ी रास्ता, गाड़ी को अत्यंत सावधानी पूर्वक चलाना होता है। इस पहाड़ पर हिल स्टेशन का निर्माण आज से 1000 वर्ष पूर्व गंगा वंश के राजा ने 11वीं शताब्दी में किया। इसके बाद टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों ने इसे ग्रीष्मकालीन आरामगाह बनाया। नंदी हिल्स समुद्र तल से 1450 मीटर ऊंचा है। बेंगलोर समुद्र तल से 900 मीटर ऊंचा है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस पहाड़ी की ऊंचाई आसपास की जगहों से 550 मीटर ऊंचा है। बेंगलोर खुद ठंडा स्थान है, नंदी हिल्स और भी ठंडा रहता है। टीपू सुल्तान के पूर्व दुर्गा राजवंश एवं चोल राजवंश राजाओं द्वारा तथा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किला के कारण इसे नंदी दुर्ग या नंदी फोर्ट भी कहा जाता है। अब हम लोग शिखर तथा दुर्ग के प्रवेश द्वार के पास पहुंच गए हैं। यहां तक आने की यात्रा सुखद रही। शिखर तक जाने के लिए टिकट लेना होगा, उसके पहले पार्किंग स्थल पर गाड़ी को रखना होगा। प्रवेश द्वार से हम लोग अंदर आ गए। बाईं तरफ प्रशासकीय खंड है, सामने पार्किंग स्थल है, अच्छी भीड़ है। कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद शिखर तक आप पर्यटन विभाग द्वारा संचालित बस में जा सकते हैं अथवा पैदल भी जा सकते हैं। हम लोग ऊपर शिखर पर आ गए हैं। शिखर की ऊंचाई से नीचे छोटे छोटे दिखाई देते खेत, गांव और पास की एक पहाड़ी को देखिए, कैसा मनोरम दृश्य है। दाईं तरफ एक पंक्ति में कुछ पुराने कमरे बने हुए हैं। चेतावनी के लिए इनके पास ऊपर या अंदर नहीं जाने की सूचना है, दुर्घटना हो सकती है। दूर में जो संरचना बनी हुई है वह ऑब्जर्वेशन डेक है, जहां से आप वैली या घाटी के मनमोहक छटा का आनंद ले सकते हैं। अब हम लोग श्री योगानंदीश्वर स्वामी मंदिर के पास आ गए हैं। नंदी हिल के शिखर पर बना यह मंदिर नंदी के ईश्वर अर्थात महादेव को समर्पित है। यह मंदिर चोला राजवंश द्वारा 1300 वर्ष पहले बनाया गया था। पहाड़ी के नीचे नंदी नगर में एक अन्य मंदिर भोग नंदीश्वर मंदिर है। मंदिर के अंदर स्तंभों पर
विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं जो हमारे सांस्कृतिक विरासत का परिचायक हैं। आप यहाँ के मनोहारी सूर्योदय तथा सूर्यास्त को देख सकते हैं। उसके लिए आपको सूर्योदय के पहले आना होगा या सूर्यास्त के बाद जाना होगा। अगर मौसम साफ रहा तब आप मनमोहक नारंगी रंग के सूर्य की विशालता, हमारे अस्तित्व के रक्षक का हृदय स्पर्शी अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को आप पैराग्लाइडिंग करते हुए देख सकते हैं। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। यह एक तालाब है जिसे पुष्करणी अथवा अमृत सरोवर कहा जाता है। इसे चोला राजवंश के शासन के दौरान बनाया गया था। करीब 10 मीटर चौड़ाई की, 10 मीटर गुने 10 मीटर चौड़ाई। इसमें चारों तरफ 32 सीढ़ियां हैं जो नीचे की ओर छोटी हुई जाती हैं। पुष्करणी तालाब के पास ही टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल समर पैलेस है। मेरी पोती रिद्धि के साथ मेरा परिवार। नंदी हिल से बेंगलोर वापस लौटते समय एक मकान के ऊपर एक लाल रंग की कार खड़ी थी। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मकान के ऊपर कार क्यों रखा हुआ है? मेरा बेटा रवि ने बताया कि कार के रूप में यह एक पानी की टंकी है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।